त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम दिन शनिवार को मुखिया व वार्ड सदस्य प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें अंतिम दिन भी पुराने एवं नए मुखिया प्रत्याशियों ने नामांकन किया। प्रत्याशियों ने गाजे बाजे के साथ प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचे, जहां वहीं अंचलाधिकारी अरुणिमा इक्का के समक्ष अपना नामांकन कराया। मुखिया के लिए 22 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया, वहीं 166 वार्ड सदस्य प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल कराया। मुखिया पद के लिए छारदा पंचायत से करमचंद भगत, उक्त कु महली, पूसो से सोमा उराव, नगर पंचायत से परिभा उराव, शतन उराव, गंदूर मुंडा, लाकिया पंचायत से रूपू महली, बरगांव उत्तरी से जैतून टोपो, रामपति उराव, भदौली पंचायत से पूनम देवी उर्मिला देवी, मुरगू पंचायत से यशोदा देवी, ओलमुंडा से सुमित्रा लकड़ा, ललिता देवी रेड़वा से असरिता एक्का, भूमिका बड़ाई जयंती कुमारी, ससई से फुलमनी उराव, बोंडो से वीना उराव, सुमित उराव, मनोरमा देवी, घाघरा से प्रदीप बड़ाई का नाम शामिल है। क्या पद हेतु 3 नाम निर्देशन पत्र की बिक्री हुई और टोटल 25 नाम निर्देशन पत्र दाखिला किए गए, जिसमें 3 महिला अभ्यर्थी के द्वारा सेकंड प्रति नाम निर्देशन दाखिल किया गया। आज मुखिया पद हेतु 14 महिला और 8 पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। प्रखंड में मुखिया पद हेतु टोटल 18 पंचायत में 55 महिला और 42 पुरुषों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। इस प्रकार से सिसे में मुखिया पद हेतु टोटल 97 अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।